Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke navnirvachit Mayor Harikant Ahluwalia ne somvar ko Nagar Nigam ka karyabhar sambhal liya. इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पूजा प्रार्थना की, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हंगामा होने के चलते शपथ ग्रहण न करने वाले AIMIM के पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। कार्यालय में पहुंचे महापौर एक्टिव मोड में दिखाई दिए, वह फरियादियों की फरियाद सुनी, साथ ही नगर निगम अफसरों के साथ बैठक भी की। आज से ही नालों का सफाई अभियान चलाया जा सकता है। मेयर ने रात को नालों की सफाई कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा शहर में ड्रेनेज सिस्टम अपडेट कराने का मॉड्यूल तैयार कर लिया है। मॉनसून के पहले ये ड्रेनेज सिस्टम अपडेट कराना ही प्राथमिकता होगी। सुनिए नवनिर्वाचित मेयर ने कार्यभार संभालने के दौरान मीडिया से क्या कहा। भैया, सबसे पहले आज यहाँ पर मैंने भी, हमारे साथ सभी सम्मानित पार्षदों ने आज अपना एक तरीके से जो हमारा कार्यभार है वो एक तरीके से आज इसको संभाल लिया है हमने, और अभी से हमारी वर्किंग जो भी है वो हमारी शुरू हो गई। तो जो भी महानगर के विषय हैं, जो भी महानगर की समस्याएं हैं, तो हम पहले दिन से ही उस पर उसका निराकरण करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरठ महानगर का हमें सबको, सभी पार्षदों को मिलके मेरठ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है। जो महानगर का ड्रेनेज सिस्टम है थोड़ा इस समय जरा सा अपसेट है, तो उसके लिए मेरठ महानगर में 309 नाले हैं, उनकी एक सफाई प्रॉपर वे में शुरू होने जा रही है। सफाई चल रही थी पहले भी, मगर अब एक बार फिर दोबारा से हमने उसका लिए बात की है अधिकारियों से, तो मैं समझता हूँ कि वो आज से ही शुरू हो जाएगी। और जिस समय ये नाला साफ होगा उस समय हम लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे, और ये ज़्यादातर 7-8 बजे के बाद से शुरू होगी, क्योंकि दिन में ट्रैफिक चलता है, तो ताकि उसमें कोई बाधा ना हो। और जो नाले की सिल्ट है वो भी हमारा प्रयास होगा, उसको हाथ के हाथ उसको उठाकर और वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में भेजें। अभी सवा महीना है, जब तक सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो नगर निगम का जो जब भी विषय आता है तो यहाँ थोड़ा बहुत विवाद, ये सब चीज़ें चलती हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी विवाद था अब वो समाप्त हो गया। अब बार बार उस विषय पर चर्चा करनी ठीक नहीं। सबको चाहिए कि जो भी, जिसका जहाँ भी विषय आए, सबको, हर एक को एक दूसरे का सम्मान करना ज़रूरी है। तो मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में कोई ऐसा दोबारा होगा, और अब सब पार्षद मिलकर डेवलपमेंट की ओर चलेंगे।